आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हाइड कर सकते हैं। हाइड करने का प्रॉफिट ये होता है कि अगर हमारा चैनल शुरुआती पलों में है तो हम अगर सब्सक्राइबर हाइड कर देते हैं तो कोई बंदा अगर वहाँ पर आता है और उसे सब्सक्राइबर नहीं दिखते हैं कि अपने कितने सब्सक्राइबर हैं, 100 हैं, 200 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, इस अवस्था में वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अगर उसको दिखेगा कि सब्सक्राइबर कितने हैं तो वो अगर 50 सब्सक्राइबर हमारे दिखते हैं उसको तो वो हमें सब्सक्राइब नहीं करेगा। उसे लगेगा कि ये कोई छोटा यूट्यूब चैनल है और इसे इतना नॉलेज नहीं है। इसलिए हमें अपने शुरुआती पलों में सब्सक्राइबर को हाइड कर देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिस्टोक ट्रिक में। आपको करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहां पर चले जाना है YouTube के सेक्शन पे। YouTube के सेक्शन पे जाने के बाद में YouTube आपका ओपन होगा, थोड़ा सा लोड लेगा। लोड लेने के बाद में ओपन होगा, पूरा पेज ओपन होने दीजिएगा। पूरा पेज ओपन होने के बाद में थोड़ा इसको जूम करिएगा। जूम करने के बाद में आपको जाना है इस कॉर्नर के ऊपर, जो कॉर्नर का ऑप्शन है यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपकी डीपी या प्रोफाइल पिक होगी जिस चैनल पे आप काम करते हो उसकी, और जिसके आप सब्सक्राइबर हाइड करना चाहते हो उसकी, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा लोड लेने के बाद में यहाँ पर जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है क्रिएटिव स्टूडियो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जो ये नीचे जितने भी ऑप्शन दिखे उनमें आपको क्रोम ब्राउज़र ही सिलेक्ट करना है। मैं क्रोम ब्राउज़र सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके सामने एक ऑप्शन आए कि आपको यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर देखना है या क्रोम ब्राउज़र के ऊपर देखना है तो आपको क्रोम ब्राउज़र ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको स्क्रॉल करना हो थोड़ा सा जूम करके इस नीचे वाले कॉर्नर पे आना है। नीचे वाले कॉर्नर पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जो कुछ इस टाइप का होगा। आपको यहाँ पर करना है कि आपको यहाँ पर ये जो चैनल का ऑप्शन है ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद में आपको करना क्या है दोस्तों, ये एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ये पहले से लगा हुआ है। एडवांस सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर सब्सक्राइबर काउंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है जो मैंने अनहाइड कर रखा है। यह सिंपली दोस्तों टिक लगा हुआ होगा, यहाँ से आपको टिक को हटाना है और हटाने के बाद में आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा। यह सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको सेव कर देना है। मैं एक बार करके दिखा दे, मान लीजिए ये ऑप्शन इस टाइप से है। अभी मैं यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर जाता हूँ, ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जाता हूँ। जाने के बाद में यहाँ पर चैनल के ऊपर जाता हूँ। चैनल के ऊपर जाने के बाद में एडवांस सेटिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में ये आपके पेज पर इस तरह से रहेगा और इसको आपको अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद में यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, सेव का ऑप्शन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में ये थोड़ा लोड लेगा। लोड लेने के बाद में आपके सब्सक्राइबर अब नहीं दिखेंगे, आपके सब्सक्राइबर अब यूट्यूब पे नहीं दिखेंगे। इसका बहुत ही बेनिफिट है। अगर बेनिफिट जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो इसके बारे में बनाऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।